अच्छा एक चैलेंज देता हूँ आप लोगों को, अगर आपने इस वीडियो पर 100 लाइक और 100 कमेंट्स कर दिए ना, तो 21 मार्च को यहाँ पर कुछ स्पेशल मैं करूँगा, कुछ स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, कुछ स्पेशल यहाँ पर होगा। अब वो क्या स्पेशल होगा मुझे यहाँ पर नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो पर अगर ये टारगेट कम्प्लीट हो गया तो कुछ ना कुछ तो उस दिन स्पेशल होगा। अब उस दिन ऐसा क्या स्पेशल है उसके लिए आप यहाँ पर मेरा जो कमेंट है वो यहाँ पर रीड कर सकते हो नीचे जाके। तो अगर इस वीडियो पे ये टारगेट कंप्लीट हो गया तो उस दिन यहाँ पर कुछ स्पेशल होने वाला है। अब वो क्या स्पेशल होगा मैंने अभी यहाँ पर अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मैं करूँगा। अब सब कुछ यहाँ पर आपके हाथ में, अगर आपने ये छोटा सा टारगेट पूरा करा दिया जो कि ज़्यादा कोई बड़ा तो है नहीं है, तो उस दिन यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है। तो सब आपके हाथ में है। बाकी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हर बार की तरह काफ़ी सारी अपडेट्स के बारे में, अलग अलग कंपनीज की बहुत सारी अपडेट्स होने वाली हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। तो आज फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले आज की स्मैकडाउन के बारे में। तो आज का जो शो था भाई वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, मैं तो बोलूंगा काफ़ी बढ़िया था। लास्ट वीक के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा एपिसोड हमें देखने को मिला। मतलब ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि रोमन रिंग जब शो पे नहीं होते तो शो अपने आप ही डाउन चला जाता है, और जब वो शो के ऊपर आते हैं तो उसकी क्वालिटी अपने आप ही बढ़ जाती है। और ना सिर्फ रोमन रिंग्स वाला सेगमेंट बल्कि उसके अलावा भी जो आज के शो में हमें देखने को मिला काफ़ी मुझे तो सही लगा। और जो रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर का जो सेगमेंट हुआ था भाई, मैं पहले ये सोच रहा था कि WWE ने सब कुछ तो इनके बीच में दिखा दिया, अब WWE क्या इनके बीच में कुछ नया करेगी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो गई, फेस टू फेस हो गई, ब्रॉल, मतलब सारी चीज़ें तो हम देख चुके हैं, अब WWE यहाँ पर क्या कुछ नया यहाँ पर डालेगी। लेकिन आज जो हमें देखने को मिला इनके बैक स्टेज, मतलब कार तोड़ा फोड़ी चल रही है ब्रॉक लेसनर का, भाई एक अलग ही लुक हमें देखने को मिल रहा है। वो तो इस टाइम पे अलग ही लेवल पे चल रहे हैं और पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पर वो कर रहे हैं। और जब जब ऐसा ब्रॉक लेसनर कुछ कर रहे हैं तो मुझे ऐसा यही लग रहा है कि शायद रसलमीनिया के अंदर वही जीतने वाले हैं, क्योंकि WWE ऐसे यहाँ पर कुछ दिखा रही है। तो वो रसलमीनिया के अंदर हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन आज का जो इनका सेगमेंट हमने पूरा देखा, जो पूरा ब्रॉक लेसनर ने डिस्ट्रॉय करके रख दिया पूरी ब्लड लाइन को, और उसके बाद जो ब्रॉक लेसनर रिंग के अंदर वो कार का गेट लेके आते हैं, तो ब्रॉक लेसनर तो भाई एक अलग ही लेवल पर चल रहे हैं, और खून का बदला खून से यहाँ पर वो मांग रहे हैं, तो पता नहीं वो क्या करने वाले हैं। बाकी ये जो खून खराबे की ज़्यादा बातें चल रही है, मुझे इससे यही लग रहा है कि WWE इस मैच के अंदर स्टिपुलेशन डालेगी। अभी तक कुछ अनाउंस नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, वरना बिना स्टिपुलेशन के अगर ब्लड व्लड हो गया तो भाई कैसा लगेगा। तो आप उसके लिए ये वाली वीडियो देख लेना, मैंने आपको बताया था WWE किस तरीके से इस मैच के अंदर 5 ऐसी बड़ी चीज़ें करनी चाहिए, रेसलमेनिया की एंडिंग किस तरीके से करना चाहिए, तो आप उसके लिए ये वाली वीडियो को देख सकते हो। बाकी आज का स्मैकडाउन का एपिसोड काफ़ी सही था, जो विमेंस का टैग टीम मैच था वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। ऐसी रेसलिंग अगर हमें देखने को मिलती है रेसलमेनिया 38 के अंदर जो इनका मैच होता है, वहाँ पर ऐसा मैच हमें देखने को मिलता है तो भाई कौन इससे यहाँ पर शिकायत करेगा, तो किसी को यहाँ पर फिर उससे कोई दिक्कत होगी नहीं। और अब जो इनका मैच है वो यहाँ पर एक फेटल 4-वे मैच बन चुका है, क्योंकि अब नटाले और सेना बेजलर भी इनके मैच के अंदर ऐड हो चुके हैं। तो WWE यहाँ पर इस मैच को मल्टीपर्सन मैच उन्होंने बना दिया है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो सैमी जेन और जॉनी नॉक्सविल का मैच होने वाला है वो मैच भी अब एक एनी थिंग गोज मैच बन चुका है, यानी कि उस मैच के अंदर भी कुछ भी हो सकता है, नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच टाइप का आप मान सकते हो। सैमी जेन ने चैलेंज करा था, जिसका जो चैलेंज है वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जॉनी नॉक्सविल ने, तो इनकी भी स्टोरी काफ़ी सही चल रही है। ऑस्टिन थ्योरी और पैट मैकफी के बीच भी काफ़ी सही चल रहा है, इनका भी आज अपॉलोजी वाला सेगमेंट हुआ था, और यहाँ पर पैट मैकफी ने अपॉलोजी तो मांगी ऑस्टिन थ्योरी से, लेकिन वो भाई कुछ अलग ही तरीके से उन्होंने मांगी, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी को इससे कुछ फर्क पड़ा नहीं, उन्होंने सेल्फी ली और धक्का मार के यहाँ पर चले गए। और मेन इवेंट के अंदर हमने देखा शार्लेट और रोंडा राउजी का एक सेगमेंट हुआ था, जहाँ पर आज शार्लेट ने यहाँ पर डिस्ट्रॉय करके रख दिया रोंडा राउजी को टेबल के ऊपर, उनको पावर बॉम्ब दिया, और शार्लेट को काफी स्ट्रांग दिखाया गया आज रोंडा राउजी के सामने। तो इनका भी WWE जैसे कि हम सुन रहे हैं मैच यहाँ पर मेन इवेंट के अंदर कराएगी, तो एक रोमन और ब्रॉक और दूसरा शार्लेट और रोंडा के WWE मैच के ऊपर फोकस कर रही है। अगर यहाँ पर स्टार्टिंग रोमन और ब्रॉक करते हैं तो शो को एंड रोंडा राउजी और शार्लेट फेयर करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाया जा रहा है सारे ही सुपरस्टार को जो जो बड़े बड़े मैचेस के अंदर हैं। आपको आज का स्मैकडाउन का शो कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट की बात करें तो आज यहाँ पर AEW का रैम्पेज भी आया था, अगर आपको उसके रिजल्ट जानने तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, लेकिन रैम्पेज से यहाँ पर हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिली। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर AFO यानी कि हार्डी नहीं अंद्रादे फैमिली ऑफिस, अंद्रादे का जो ग्रुप है उसके बीच में, और हार्डी बॉयज और स्टिंग और डार्बी एलन के बीच में कुछ टेंशन चल रही है। तो आज यहाँ पर एक टाइप से हार्डी बॉयज ने चैलेंज करा AFO की टीम को, डायनामाइट के ऊपर इनका मैच होने वाला है, जो कि होगा एक टॉर्नेटो टैग मैच, और
और आप देख सकते हो कितना बड़ा ये मैच है, जहाँ पर एक साइड है हार्डीज और स्टिंग, डार्बी एलन, और दूसरी साइड यहाँ पर अंद्रादे का पूरा ग्रुप है, यानी कि प्राइवेट पार्टी, बुचर और ब्लेड, और इनके बीच में काफी बढ़िया मैच हमें देखने को मिल सकता है, टोर्नेटो टैग मैच है। तो सारे सुपरस्टार एक ही टाइम पे यहाँ पर लड़ेंगे मैच के अंदर, और मुझे ऐसा लग रहा है इस मैच के चलते मैट हार्डी और जेफ हार्डी, यानी कि हार्डीज की तरफ से, जेफ हार्डी की तरफ से हमें कुछ कमाल की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जैसे कि हम जानते हैं जेफ हार्डी को कैसे कैसे वो मूवमेंट्स देते हैं, स्पॉट देते हैं, तो वैसा मुझे लग रहा है कुछ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डायनामाइट के लिए और भी काफी सारी चीजें अनाउंस कर दी गई है। यहाँ पर क्रिस जेरिको का भी जो न्यू ग्रुप बना है, जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी, उसका भी यहाँ पर टीम एज अ टीम वो डेब्यू करने वाले हैं, उनका भी मैच यहाँ पर होने वाला है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस है। तो इस वीक का डायनामाइट का एपिसोड भी आप बोल सकते हो काफ़ी सही हो सकता है, और स्पेशली यहाँ पर ये जो टोर्नेटो टैग मैच होने वाला है, ये मुझे लग रहा है पूरा मैच ऑफ द नाइट यहाँ पर हो सकता है। अगली अपडेट की हम बात करें तो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर AEW यानी कि टोनी खान ने यहाँ पर परचेज कर लिया है रिंग ऑफ ऑनर को, और अब यहाँ पर जो रिंग ऑफ ऑनर का अगला यहाँ पर स्पेशल शो आने वाला है सुपर कार्ड करके, उसको यहाँ पर टोनी खान ही बुक कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा मैच या और यहाँ पर एक ड्रीम मैच बुक कर दिया इस शो के लिए, जो कि हमें देखने को मिलेगा ब्रिस्कोज ब्रदर्स वर्सेज FTR के बीच में, और यहाँ पर ये मैच होने वाला है रिंग ऑफ ऑनर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और भाई ये एक ड्रीम मैच है, मैं इस मैच को सच में देखना चाहता था काफ़ी टाइम से, और अभी हमने देखा था जब रिंग ऑफ ऑनर का फाइनल बैटल हुआ तो उसके अंदर FTR आए थे, उन्होंने कन्फ्रंट करा था यहाँ पर ब्रिस्कोस को, तो तभी से यहाँ पर ये वाला मैच टीज कर दिया गया था, लेकिन अभी तक ये मैच हुआ नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर टोनी खान ने इस मैच को अनाउंस कर दिया, बुक कर दिया है, और इनका मैच हमें देखने को मिलने वाला। और मैं आपको बता दूँ ये भी जो इवेंट है वो डैलस के अंदर ही होने वाला है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया ना डैलस की सिटी के लिए तो भाई चांदी चांदी हो रही है इस टाइम पर, कैसे कैसे शोज और कैसे कैसे ड्रीम मैचेज हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप इस मैच का वेट कर रहे थे, आप इस मैच को देखना चाहते हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ड्रीम मैचेस की बात चली है तो NJPW भी यहाँ पर पीछे नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर एक बड़ा ड्रीम मैच बुक कर दिया है उनके अपकमिंग, उनका भी एक स्पेशल शो आने वाला है अप्रैल को, जहाँ पर 16 अप्रैल को इनका ये शो होने वाला है, जहाँ पर जॉन मॉक्सली और विल ऑस्प्रे का मैच हमें देखने को मिलेगा। तो भाई ये भी एक ड्रीम मैच है, और मैं कह रहा हूँ कि अप्रैल के अंदर पता नहीं कितना सारा और कितना मज़ा हमको आने वाला है, कैसी कैसी चीज़ें और कैसे कैसे मैचेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो सब तरफ यहाँ पर हर कंपनी, आप देख लो किसी भी कंपनी को उठा के देख लो, कुछ ना कुछ वहाँ पर बड़ा और स्पेशल होने वाला है। तो आपका इनके बारे में क्या कहना है, इन ड्रीम मैचेस के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट की बात करें तो गाइस यहाँ पर WWE ने ऑफिशियली यहाँ पर साइन कर लिया है फॉर्मर ROH की विमेन्स चैंपियन रॉक्सी को, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर WWE ने इस चीज़ को रिवील करा, मतलब रिपोर्ट्स तो पहले ही आ गई थी कि WWE ने इनको साइन कर लिया है, लेकिन जब उन्होंने अब अपनी जो परफॉर्मेंस सेंटर की अब ये जो न्यू सुपरस्टार है इसकी क्लास यहाँ पर रिवील करी, तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर रॉक्सी भी हैं, लेकिन इनका नेम यहाँ पर चेंज है, और इनका नेम यहाँ पर कार्ला गोंजालिस है, जो कि आप इनको देख सकते हो। तो ROH की वुमेन्स चैंपियन है, फॉर्मर वुमेन्स चैंपियन है, और काफ़ी बढ़िया सुपरस्टार भी यहाँ पर ये हैं, तो WWE ने कह सकते हो एक अच्छे टैलेंट को यहाँ पर साइन कराएं। और भी आप देख सकते हो काफ़ी सारे सुपरस्टार्स जो कि फ्यूचर बड़े मेगा स्टार बन सकते हैं WWE के अंदर, जो कि यहाँ पर अभी उन्होंने साइन कर लिया WWE के साथ। तो रॉक्सी को देख के मैं तो काफी खुश हुआ हूँ, बाकी आपका इनके बारे में जो भी कहना नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट की बात करें और गाइज ये काफी बड़ी न्यूज है, जैसे कि अभी हमने देखा कि WWE ने यहाँ पर अपना एक इंटरनेशनली यहाँ पर पेपर व्यू कराया था एलिमिनेशन चेम्बर, जहाँ पर वो उसको सऊदी के अंदर लेके गए थे, और हमने अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुनी थी कि WWE UK के अंदर अपना कोई बड़ा इवेंट कराने वाली है, बड़ा शो वो कराएंगे UK के अंदर, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर वो अपना कोई बड़ा पेपर व्यू कराएंगे। तो इसको लेके यहाँ पर रसल वोट्स ने यहाँ पर ट्वीट किया, और इस चीज़ को यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो UK का उनका पेपर व्यू आने वाला है वो यहाँ पर उसकी डेट यहाँ पर कुछ निकल के आई है सैटरडे को, यानी कि September 3rd यहाँ पर उसकी डेट बताई जा रही है, जहाँ पर WWE अपने UK के पेपर व्यू को कराएगी, और यहाँ पर एक बड़े स्टेडियम से होने वाला, कोई छोटी मोटी एरिना से यहाँ पर छोटी मोटी जगह से नहीं होने वाला। WWE यहाँ पर इसको एक बड़े लेवल पर फीचर कर रही है, और इसके साथ ही एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि ये जो डेट निकल के आई है September 3rd, यहाँ पर ये सेम वही वीक है जब यहाँ पर AEW का ऑल आउट पेपर व्यू होगा, तो क्या पता ये दोनों आपस में क्लैश करें, हेड टू हेड आएँ, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं देखते क्या है, वैसे तो होता ही है कि यहाँ पर सारे जो पेपर व्यूज हैं वो सैटरडे यहाँ पे संडे को होते हैं, तो अगर यहाँ पर ये सैटरडे को हो रहा तो क्या पता यहाँ पर जो ऑल आउट AEW का वो यहाँ पर 4 सितंबर को हो, यानी कि संडे के दिन वो हो, लेकिन अभी उसकी कुछ डेट हमें पता नहीं है, क्या पता वो भी सैटरडे को हो जाए और आपस में ये दोनों जो शोज हैं वो क्लैश करें। तो ये कुछ यहाँ पर डेट निकल के आई है, और रसल वोट्स ने इस चीज़ को कन्फर्म करा है, तो आप इस चीज़ को कन्फर्म ही मान सकते हो कि यहाँ पर यही डेट होने वाली है जब WWE अपने यूनाइटेड किंगडम के पेपर व्यू को होस्ट करेगी एक बड़े स्टेडियम के अंदर,
आपका इसके बारे में क्या कहना है? और अगर ऑल आउट से ये हेड टू हेड आता है तो आपका फिर क्या कुछ रिएक्शन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट के बारे में बात कर रहा हूँ गाइस, बात करते हैं अब कोडी रोड्स के बारे में, जिनको लेके भाई हमने काफ़ी सारे र्यूमर्स, काफ़ी सारी न्यूज़ यहाँ पर सुन चुके हैं कि कोडी रोड्स आने वाले हैं, रॉक एपिसोड में आएंगे, रसलमीनिया के अंदर आएंगे, रसलमीनिया के बाद आएंगे, काफ़ी कुछ यहाँ पर हम सुन चुके हैं, लेकिन कुछ भी यहाँ पर अभी तक कन्फर्म नहीं था। और बस ये सारी बातें हवा में ही हो रही थी, क्योंकि कोडी रोड्स ने यहाँ पर कोई डील तो अभी तक साइन की नहीं थी WWE के साथ, लेकिन आज इस चीज़ को यहाँ पर कन्फर्म किया। और यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म होती है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर कोडी रोड्स ने WWE के साथ ऑफिशियली यहाँ पर एक डील साइन कर लिया है, यानी कि WWE के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और अब कोडी रोड्स कंफर्म हो चुके हैं कि यहाँ पर वो आ रहे हैं WWE के अंदर, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर माना जा रहा है कि कोडी रोड्स का जो रिटर्न है WWE रसलमीनिया के अंदर ही कराएगी, और उनका जो मैच है वो भी हमें देखने को मिलेगा सेथ रॉलिंग्स के अगेंस्ट। तो इस चीज़ को यहाँ पर WWE ने कह सकते हो पहले से बुक कर लिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम ऐसे ही कुछ रिपोर्ट सुन रहे थे कि रसलमीनिया के अंदर यहाँ पर कोडी रोड्स का कमबैक होगा और वहाँ पर उनका मैच हमें देखने को मिलेगा। और अब कोडी रोड्स ने डील भी साइन कर लिया WWE के साथ, तो फिर तो ये बात कन्फर्म है कि रसलमीनिया के अंदर कोडी रोड्स आ रहे हैं और उनका यहाँ पर मैच होने वाला है सेथ रॉलिंग्स के अगेंस्ट। और माना जा रहा है कि यहाँ पर जो कोडी रोड्स हैं वो रॉ ब्रांड के ऊपर ही रहेंगे, और वैसे भी हम जानते थे क्योंकि यहाँ पर सेथ रॉलिंग्स रॉ के सुपरस्टार हैं, तो कोडी रोड्स वहीं पर जाएंगे, तो कोडी रोड्स यहाँ पर रॉ के सुपरस्टार बन के रहेंगे और यहाँ पर वो रसलमीनिया के अंदर अपना कमबैक करने वाले हैं। तो डील उन्होंने यहाँ पर साइन कर लिया, तो ये बात काफ़ी कह सकते हो सही है, काफ़ी कंफर्म होती है यहाँ पर। और कोडी रोड्स के अब जो चांसेस है ना WWE के अंदर आने के, वो तो 100% से भी यहाँ पर ऊपर जा चुके हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप जो कोडी रोड्स का कमबैक है वो फाइनली होने वाला है, आपका जो भी इसके बारे में कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कर देना, और जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था ना कि इस वीडियो पे 100 लाइक कर दो तो उस दिन यहाँ पर कोई स्पेशल वीडियो आएगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर ऐसी कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलती रहती है। तो वैसे तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।